नाम दिया है आखिर बहू भी बेटी होती है। नहीं करनी मुझे शादी ना होना मुझे पराई है। नहीं करनी मुझे शादी ना होना मुझे पराई है। कैसे मैं तुमसे दूर रहूंगी माँ जब सोच आंख भर आई है। सुनकर बेटी की बात, सुनकर बेटी की बात माँ धीरे से मुस्काती है। पास बुला बैठा प्यार से उसको कुछ समझाती है। ये रीत पुरानी है बिटिया जिसे हम सबको निभाना पड़ता है। आज नहीं तो कल बेटी को अपने घर जाना ही पड़ता है। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं यहाँ हम सबकी यही कहानी है। जिसे बड़ा किया अरमानों से वो बेटी एक दिन ब्याहनी है। अपनी क्षमता से ज्यादा हम वर तुम्हारा ढूंढेंगे। कह रही हो जिन्हें पराया हमसे ज्यादा खुश रखेंगे। अब यहाँ जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा ने मुझसे कुछ लाइनें कही थी जो मैंने जिनको कविता का रूप दिया है। और वो लाइनें थी कि इस घर में प्यार पाना तुम्हारा हक है और उस घर में प्यार देना तुम्हारी जिम्मेदारी। जब तक तुम इस डिफरेंस को मेंटेन रखोगी दो घर हमेशा खुश रहेंगे। तो वही मैंने यहाँ कविता में लिखने की कोशिश की है कि इस घर से जितना स्नेह मिला उस घर को भी उतना देना। कोई गुस्से में कुछ कह भी दे तो भी तुम दिल पर मत लेना। जो आभूषण जहाँ के लिए बना हो उसी जगह पर सस्ता है। और नए लोगों के बीच जगह बनाने में बिटिया थोड़ा वक्त तो लगता है। डोली में कर रहे विदा, डोली में कर रहे विदा, बस अर्थी में वापस आना। कभी हृदय आहत भी हो तो भी तुम खुद ही खुद को समझाना। धीरे धीरे एक दिन तुम उस घर के रंग में रंग जाओगी। इस घर के लिए पराई और उस घर का हिस्सा बन जाओगी।